और अब खबर कश्मीर से, जहां बारामूला में सेना ने आतंकियों के बड़े ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 44 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, पेट्रोल बम और लश्कर जैश और हिज्ब जैसे आतंकी संगठनों की प्रचार सामग्री भी बरामद की गई। बरामद सामग्री में पाकिस्तान के झंडे भी मिले हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा। ऋतु, एक बड़ा सघन तलाशी अभियान चलाया गया है सेना की ओर से, लगभग 700 घरों की तलाशी ली गई है, इतने सारे संदिग्धों को पकड़ा गया है। किस तरह की खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसा किया गया और काफी सामान भी मिला है, क्या जानकारी है इसके संदर्भ में? देखिए, पिछले कुछ समय से एक बड़ी इस तरह की जानकारियां लगातार सूचना एजेंसियों को मिल रही थी, खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी। और ये जो पूरा अभियान 17 अक्टूबर को अंजाम दिया गया है, ये एक साझा अभियान है जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जानकारियाँ थी। और 12 घंटे तक ये अभियान चला है, करीब 700 घरों की तलाशी ली गई है। और ये इलाका है उत्तरी कश्मीर का बारामूला का पुराना शहर, यानी डाउनटाउन के 10 ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिनके बारे में एक लंबे समय से जानकारी थी। और ये इलाके जो थे वो आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने थे। यहाँ से जो 44 लोग संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, उनके संबंध सीधे कहे जा रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से हैं। तमाम जो सामग्री बरामद की गई है उसमें चीन और पाकिस्तान के झंडे हैं, उसमें तमाम ऐसे राष्ट्र विरोधी प्रचार सामग्री है, पेट्रोल बम है, गैरकानूनी मोबाइल फोन्स हैं और कई ऐसी सामग्री बरामद हुई है जिनमें तमाम तरह की शंकाएं और आशंकाएं सुरक्षा एजेंसियों की, क्योंकि उनके संबंध इन तमाम आतंकी संगठनों तंजीमों से हैं। इसके अलावा कई ऐसे और ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया है ममता, इसमें जो एक लंबे समय से निशाने पे थे सुरक्षा एजेंसियों के और आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने कहे जाते रहे हैं। जी, और ऋतु, मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के झंडे मिले हैं जो पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन चीन के झंडे भी मिले हैं। अभी 14 अक्टूबर को ही ये खबर भी आ रही थी कि पुरानी ईदगाह के पास भी कश्मीर के झंडे लहराए गए। क्या खुफिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है ये? देखिए, इसका एक सांकेतिक है, मतलब एक सिंबॉलिक रीज़न इसको कह सकते हैं आप, कि पाकिस्तान के झंडे तो हमेशा से यहाँ पे मिलते ही थे, अब चीन के झंडे मिलने का मतलब, अगर हम ज़रा सा पीछे जाएं 4 दिन पीछे, तो जिस तरह से ब्रिक्स के सम्मेलन के पटल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिना नाम लिए कहा कि भारत का पड़ोसी देश जो आतंकवाद का जननी है, वहाँ पर आतंकवाद पलता है, वहीं से आतंकवाद के तमाम हमलों को अंजाम दिया जाता है, ये बात कहने के बावजूद भी जिस तरह से हमने देखा है कि दुनिया के कई मुल्कों ने माना है कि आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान के हाथ रहे हैं, पाकिस्तान से जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के और आतंकवाद के पनाहगाह जो तमाम मौजूद हैं उसकी तस्दीक की है तमाम मुल्कों ने, लेकिन चीन का जो रुख रहा है, चीन आज भी ये मानता है कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो आतंकवाद नहीं है। और जिस तरह से हमने देखा कि यूएन में जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को 2 बार वीटो करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में जो रोड़ा चीन ने अटकाया है, और जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं बारामूला से 44 ममता, उनके भी संबंध ये कहे जा रहे हैं जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा से है। तो जहां जैश ए मोहम्मद के सरगना को जब पनाह देता हुआ एक देश है, तो उसका यही संकेत माना जा रहा है कि ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनको लगता है कि चीन भी जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जैश ए मोहम्मद करता रहा है और अंजाम देता रहा है, उसमें उसका साथ चीन भी दे रहा है अंतरराष्ट्रीय पटल पे। तो ये सिंबॉलिक एक सांकेतिक संदेश के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ चीन के झंडे भी दिखाई दिए। ऋतु, इतना बड़ा अभियान चलाया गया है शायद काफी समय के बाद, कितना बड़ा सेटबैक आप समझती हैं कि ये आतंकवादियों के लिए है? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों को एक लंबे समय से तमाम इस तरह की खुफिया जानकारियां मिल रही थी, और उनका कहना है कि 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंक कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद से जो माहौल पैदा किया गया और एक लंबे समय से जो देखा जा रहा था यहाँ पे जो भी गतिविधियां और आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं उनको जिस तरह के अंजाम दिए जा रहे हैं उसमें सीधा सीधा हाथ पाकिस्तान का माना जा रहा था। और यही नहीं, निखिल, एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप पिछले कुछ हमलों को देखें, चाहे वो बारामूला का हमला हो या फिर श्रीनगर के पास अभी जब SSB के कॉन्वे पे काफिले पे जो हमला किया गया था, उसके बाद जब आतंकी भागने में कामयाब होते हैं, रिहायशी इलाके होते हैं, सेना का सबसे बड़ा कर्तव्य
ये होता है कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो एक तो जवाबी जो कार्रवाई होती है वो कुछ हद तक सीमित हो जाती है, क्योंकि रिहायशी इलाके होते हैं ये जो ठिकाने जो जिन पे ध्वस्त किया गया है और जिन ठिकानों का जो पता चला है और जो 44 लोग पकड़े गए हैं, ये उस बात को भी बताते हैं कि ये जो पनाहगाह की तरह से कश्मीर के तमाम जिलों में या फिर बारामूला में जो 10 संवेदनशील जगहों को जो ध्वस्त किया गया है आतंकवादी ठिकानों को, वो बताते हैं कि ये वो ठिकाने हैं जहां पे ये आतंकी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, छुपने में कामयाब होते हैं। तो एक ये बड़ी कामयाबी है और एक लंबे समय से इस तरह की जानकारी थी। और हमने जो अपने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात की, उसमें डीजीपी के राजन कुमार से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बहुत साफ कहा कि इस तरह के अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेंगे, क्योंकि जानकारियां बहुत इस तरह की मिल रही हैं, उस पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋतु, बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी सफलता है सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, और इतनी बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पर, एक तरह से कहा जाए कि कमर तोड़ने वाली है आतंकियों की, तो इसमें गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। जी, और निखिल, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक और सीमा पर सेना लगी हुई है, वहीं कश्मीर के अंदर भी तमाम एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। यहाँ पर जब चीन की बात होती है, तो अभी कुछ समय पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष अशरफ गनी भट्ट ने यह बात कही थी कि चीनी फैक्टर को, चीन के फैक्टर को नकारना नहीं चाहिए, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो देखना होगा कि आगे भारत की ओर से और एजेंसियों की ओर से इस दिशा में किस तरीके की गहराई से जांच की जाए, इस पे नजर रखने की जरूरत है, और जो झंडे मिले हैं इसके क्या संकेत है इसको भी पढ़ने की जरूरत है।